Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we will start our new chapter of computer book by Brain Root series. The name of our book is Cyber Creators Class 2. और हमारे chapter का नाम है More on Scratch Junior. तो चलिए अपना chapter start करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? गेटिंग स्टार्टेड विथ स्क्रैच जूनियर के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू मूव एंड जम्प अ स्प्राइट, कि स्प्राइट को कैसे मूव और जम्प करते हैं, ग्रो और श्रिंक अ स्प्राइट, स्प्राइट को ग्रो करना और श्रिंक करना सीखेंगे, डिफरेंट ब्लॉक्स इन स्क्रैच जूनियर, स्क्रैच जूनियर में जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, यूजिंग टू करेक्टर्स, यूजिंग द हाइड एंड शो ब्लॉक्स के बारे में, इन सब के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी. सबसे पहले, बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ स्क्रैच जूनियर स्प्राइट बाय डिफॉल्ट इन द स्पेस गिवन बिलो. हमने प्रीवियस क्लास में भी स्क्रैच जूनियर के बारे में पढ़ा था. आपको यहाँ पर किसकी पिक्चर बनानी है? स्क्रैच जूनियर स्प्राइट की. ओके, स्क्रैच जूनियर इज वन ऑफ द इजीएस्ट ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्क्रैच जूनियर क्या है? एक सबसे इजी ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन पुट ब्लॉक्स टूगेदर टू क्रिएट अ कोड. यहाँ पर आप डिफरेंट ब्लॉक्स को एक साथ मिलाकर क्या कर सकते हैं? एक कोड बना सकते हैं. चिल्ड्रन, यू कैन ऑल्सो मेक द स्प्राइट मूव, डांस, जम्प एंड सिंग ऑन द स्क्रीन. और स्क्रैच जूनियर में जो स्प्राइट होता है उसको आप डांस, मूव, जम्प, सिंग कर सकते हैं. कहाँ पर? स्क्रीन पर. दिस इज कॉल्ड एनिमेशन, उसे हम क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट एनिमेशन इन स्क्रैच जूनियर. गेटिंग स्टार्टेड विद स्क्रैच जूनियर, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. टू लॉन्च स्क्रैच जूनियर फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले किस पे क्लिक करना है आपको? स्टार्ट बटन पे. क्लिक ऑन स्क्रैच जूनियर ओपन सोर्स कम्युनिकेशन फोल्डर. उसके बाद आपको किस पर क्लिक करना है? स्क्रैच जूनियर ओपन सोर्स कम्युनिकेशन नाम के एक फोल्डर पर. सिलेक्ट स्क्रैच जूनियर, और उसमें से आप क्या सिलेक्ट करेंगे? स्क्रैच जूनियर. क्लिक ऑन द होम बटन ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर होम बटन को आप क्लिक करेंगे. देन नाउ क्लिक ऑन द प्लस साइन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. और अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे. देखिए प्लस का साइन कैसा होता है? ऐसा. जब आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा. द फर्स्ट विंडो ऑफ स्क्रैच जूनियर विल अपीयर एज गिवन बिलो. तो देखिए ये जो पिक्चर दे रखी है ये किसकी है? फर्स्ट विंडो ऑफ स्क्रैच जूनियर की. इस तरीके से खुल के आ जाएगी. चलिए अब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताती हूँ. जहां पर ये छोटा सा होम बना हुआ है, ये क्या है? होम बटन. एंड दिस इज अ आइकन ऑफ बैकग्राउंड. और ग्रीन कलर का क्या है? ग्रीन फ्लैग है. और प्लस के साइन क्या है? एड न्यू स्प्राइट. अगर आपको कोई न्यू स्प्राइट को एड करना है देन यू विल यूज दिस बटन. नेक्स्ट ब्लॉक कैटेगरी, ये क्या है? डिफरेंट ब्लॉक्स कैटेगरी है, इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. देन स्टेज, ये क्या है? पूरा स्टेज है. और ये जो छोटी सी पिक्चर है ये किसकी है? स्प्राइट की. देन ब्लॉक पैलेट, ये क्या है? ब्लॉक पैलेट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं. देन प्रोग्रामिंग एरिया और कोडिंग एरिया, और ये जो एरिया है ये क्या है? प्रोग्रामिंग एरिया, या फिर हम इसे कहेंगे कोडिंग एरिया. नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट ब्लॉक्स इन स्क्रैच जूनियर. अब हम स्क्रैच जूनियर के डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्या यूज होता है, वो कैसे कलर के होते हैं, इन सब के बारे में
अब हम पढ़ेंगे. देयर आर सिक्स ब्लॉक्स कैटेगरी इन स्क्रैच जूनियर. स्क्रैच जूनियर में कितनी ब्लॉक्स कैटेगरी होती हैं? सिक्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6. द डिफरेंट ब्लॉक्स डेट यू सी इन द ब्लॉक्स कैटेगरीज आर एज फॉलो. तो ये जो सिक्स डिफरेंट पिक्चर्स हैं ये क्या हैं? सिक्स डिफरेंट ब्लॉक्स हैं. कौन कौन से? ट्रिगिंग, मोशन, साउंड, लुक्स, कंट्रोल एंड इन लास्ट एंड. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिगिंग ब्लॉक के बारे में. ये कैसे कलर के होते हैं? येलो इन कलर. ये येलो कलर के होते हैं. दीज ब्लॉक्स आर यूज टू स्टार्ट एन एक्शन. इन ब्लॉक्स का यूज हम कोई भी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं. ट्रिगिंग ब्लॉक में भी क्या होते हैं? डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं. चलिए उनके बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग. स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग का यूज किस लिए किया जाता है? इट स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज टैप्ड. जब हम ग्रीन फ्लैग को टैप्ड करते हैं तो स्क्रिप्ट क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट, स्टार्ट ऑन टैप. इट स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन यू टैप ऑन द स्प्राइट. जब आप स्प्राइट पे टैप करेंगे तो स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी. देन स्टार्ट ऑन बम्प. इट स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन द स्प्राइट इज टच्ड बाय अनदर स्प्राइट. जब एक स्प्राइट से दूसरी स्प्राइट टच हो जाएगी तो स्क्रिप्ट क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्ट ऑन मैसेज. इट स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन इट रिसीव्ड अ मैसेज ऑफ द स्पेसिफाइड कलर. जब किसी स्पेसिफाइड कलर से उसको मैसेज मिलेगा, किसको? स्टार्ट ऑन मैसेज ऑप्शन को, तो स्क्रिप्ट आपकी स्टार्ट हो जाएगी. देन सेंड स्टार्ट मैसेज. इट सेंड द स्टार्ट मैसेज ऑफ द स्पेसिफाइड कलर. इसमें क्या होता है बच्चों? जब कोई मैसेज स्टार्ट होता है किसी स्पेसिफाइड कलर का तो क्या भेजा जाता है? मैसेज भेजा जाता है. इस ऑप्शन का यूज आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, सेंड स्टार्ट मैसेज, की स्टार्ट मैसेज को सेंड करना, भेजना. नाउ वी विल लर्न अबाउट मोशन ब्लॉक. अब हम पढ़ेंगे मोशन ब्लॉक के बारे में. बताइए ये कौन से कलर का है? ये है ब्लू कलर का. अब हम इसमें भी डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. दीज ब्लॉक्स आर यूज टू मेक अ स्प्राइट मूव ऑन द स्टेज. इन ब्लॉक की हेल्प से स्प्राइट क्या करती है? स्टेज पर मूव करती है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 डिफरेंट छोटे छोटे आइकन्स हैं. चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला है मूव राइट. तो नाम से ही पता चल रहा है ये स्प्राइट को किस लिए हेल्प करते हैं? नंबर ऑफ स्टेप टू द राइट, कि नंबर ऑफ स्टेप चले वो कहां पर? राइट की तरफ. देन मूव लेफ्ट. इट मूव द स्प्राइट टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप टू द लेफ्ट. तो इससे स्प्राइट लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी. देन मूव अप. देखिए अप एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब स्प्राइट कहां मूव करेगी? अप डायरेक्शन की तरफ से. देखिए स्टेप टू अप. नेक्स्ट स्टेप टू डाउन. देखिए एरो अब कहां आ गया? नीचे की तरफ. इसका मतलब स्प्राइट कहां मूव करेगी? स्टेप टू डाउन, नीचे की तरफ जाएगी. देन टर्न राइट. ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाला जो आइकन है ये टर्न राइट का है. इट रोटेट द स्प्राइट टू क्लॉक वाइज स्पेसिफाइड अमाउंट, टर्न 12 और अ फुल रोटेशन. इस ऑप्शन से स्प्राइट क्लॉक वाइज डायरेक्शन में राइट की तरफ मूव करेगी. नाउ टर्न लेफ्ट. इट रोटेट द स्प्राइट काउंटर क्लॉक वाइज टू अ स्पेसिफाइड नंबर, देन टर्न 12 और अ फुल रोटेशन. तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में क्लॉक वाइज क्या करती है? मूव करती है. नेक्स्ट होप. इट मूव द करेक्टर्स अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप एंड देन डाउन अगेन. एक बार इससे स्टेप ऊपर जाएगी, देन डाउन. डाउन मतलब नीचे, अप डाउन. तो ये किससे करेगी? होप ऑप्शन से. देन गो होम. इट रीसेट द करेक्टर लोकेशन टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन. टू सेट अ न्यू स्टार्टिंग पोजीशन ड्रैग द स्प्राइट टू द लोकेशन. गो होम का मतलब है कि जहां से स्प्राइट ने काम शुरू किया था वो वापसी अपनी उसी जगह पर चली गई,
इसका मतलब हमारा काम फिनिश हो गया, अब अगर हमें नया काम स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट लुक्स ब्लॉक, पर्पल इन कलर। लुक्स ब्लॉक कैसा होता है? पर्पल कलर का, कितना प्यारा कलर है। नाउ वी विल लर्न अबाउट इट। दीज ब्लॉक आर यूज टू चेंज द लुक ऑफ द स्प्राइट। लुक से पता चल रहा है आपको कि स्प्राइट का क्या चेंज करते हैं, लुक उसका दिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। यू कैन मेक अ स्प्राइट से समथिंग, रीसाइज और रीसेट द साइज ऑफ द स्प्राइट एंड हाइड और शो द स्प्राइट यूजिंग दीज ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक की हेल्प से आप स्प्राइट के साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आप उसमें एक ऑप्शन ये ऐड कर सकते हैं कि स्प्राइट क्या करे, कुछ बोले, से समथिंग। नाउ द डिफरेंट लुक्स ब्लॉक्स आर एज फॉलो। अब हम डिफरेंट लुक्स ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, से मतलब कहना। इट शो अ स्पेसिफिक मैसेज इन अ स्पीच बबल अबव द स्प्राइट। इसके थ्रू एक कोई भी स्पेसिफाइड मैसेज क्या किया जाता है, बोला जाता है, किससे? स्प्राइट से। देन ग्रो, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। ग्रो ब्लॉक की हेल्प से स्प्राइट का साइज क्या होता है, ग्रो मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज करते हैं। श्रिंक मतलब किसी चीज को छोटा करना या डिक्रीज करना। इट डिक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। देन रीसेट साइज, इट टर्न द स्प्राइट टू इट्स डिफॉल्ट साइज। रीसेट का मतलब है सपोज कोई स्प्राइट मीडियम साइज की है, पहले वो स्मॉल साइज की थी, हमने उसको बिग साइज में किया, तो रीसेट का मतलब है कि हम उसको दोबारा उसके उसी साइज पे ले आए, मतलब बड़े से छोटे पर ले आए। हाइट मतलब छुपना या छुपाना। इट फेड्स आउट द करेक्टर अंटिल इट इज इनविजिबल। ये क्या करता है कि जो भी करेक्टर है उसको इनविजिबल मतलब छुपा देता है। देन शो मतलब दिखाना या किसी चीज को देखना। इट फेड्स इन द करेक्टर अंटिल इट इज फुली विजिबल। वो क्या करता है, करेक्टर को फुली विजिबल करता है कि जिसे हर कोई देख सके। इनविजिबल मतलब जो किसी को ना दिखे और विजिबल मतलब जो सबको दिखे। नाउ वी विल लर्न अबाउट साउंड ब्लॉक्स, ग्रीन इन कलर। साउंड ब्लॉक कैसे कलर के होते हैं? दे आर ग्रीन इन कलर, हरे रंग के होते हैं। साउंड से आप सब समझ रहे होंगे, साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। दीज ब्लॉक आर यूज टू एड साउंड टू द प्रोजेक्ट, कि अपने प्रोजेक्ट में कोई साउंड को ऐड करने के लिए इस ब्लॉक का यूज किया जाता है। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर ओन वॉइस एंड यूज इट इन योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट में अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ माइक्रोफोन अटैच टू योर कंप्यूटर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक माइक्रोफोन को अटैच करना है अपने कंप्यूटर से, क्योंकि माइक्रोफोन की हेल्प से ही हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। The different sound blocks are as follow. Number one, pop. It play a pop sound. With the help of pop, we can play a pop sound in our project. Then play recorded sound. Recorded sound मतलब जो हमने already computer में sound को record किया होगा, वो हमारी भी हो सकती है या फिर other sound भी हो सकती है। इस option की help से हम अपने project में recorded sound को प्ले करते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंट्रोल ब्लॉक्स। अब हम कंट्रोल ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑरेंज कलर के होते हैं, तो चलिए अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं। दीज ब्लॉक आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट क्या फ्लो को कंट्रोल करती है। नंबर वन, वेट। इट पॉज द स्क्रिप्ट फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। सपोज कई बार आपने देखा होगा, आप कोई साउंड सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, आप बीच में उसको क्या कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं। या फिर आपके सबके घर में स्मार्ट टीवी होता है, वो नेट से कनेक्ट है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपकी मम्मा ने बुलाया, आप जाते हुए उसे क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए वो चीज़ वहीं पर रुक जाती है। देन स्टॉप, इट स्टॉप द स्क्रिप्ट ऑफ ऑल द स्प्राइट।
ये सभी स्क्रिप्ट्स को रोक देता है, किसकी, स्प्राइट्स की। सेट स्पीड, उसकी स्पीड को सेट करता है। इट चेंज द स्पीड एट द विच सर्टन ब्लॉक्स आर रन, कि जिस स्पीड में ब्लॉक्स रन कर रहे हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करता है। देन रिपीट, इट रन द ब्लॉक इनसाइड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, कि एक ही स्पेसिफाइड नंबर के ब्लॉक को बार बार रिपीट करना। इन लास्ट वी विल लर्न अबाउट एंड ब्लॉक, एंड का मतलब खत्म। ये कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के। These blocks are used for ending a script, changing the specified pages of the project and running a script repeatedly. ये क्या करता है, स्क्रिप्ट का एंड करता है, उसके स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पेजेस को चेंज करता है, प्रोजेक्ट को रन करता है और स्क्रिप्ट को रन करता है रिपीटेडली, बार बार। The different एंड blocks आर as follow. नंबर वन, एंड। It indicates the end of the script but does not affect the script in any way. ये script को end तो करता है, indicate तो करता है, लेकिन उसमें कोई भी effect नहीं पड़ता, उसका कोई भी effect नहीं पड़ता। Number B, repeat forever. It runs the script over and again. ये क्या करता है, repeat का मतलब एक काम को बार बार दोहराना। ये स्क्रिप्ट को क्या करता है, ओवर एंड अगेन रिपीट करता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है स्क्रिप्ट में। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मूव एंड जंप अ करेक्टर, कि हमारे प्रोजेक्ट में जो एक करेक्टर है कैसे उसको जंप और मूव करेंगे। लेट अस मूव एंड होप द करेक्टर ऑन द स्टेज, क्रिएट द सीन एज शोन इन फिगर, आप जैसा फिगर में एक सीन बना हुआ है इसको क्रिएट कीजिए। लेट अस मेक द स्प्राइट फ्रॉग जंप, अब हमें क्या करना है, स्प्राइट क्या है हमारी, फ्रॉग जंप करना है हमें। ड्रैग द मूव राइट ब्लॉक, अब हम क्या करेंगे, मूव राइट ब्लॉक को ड्रैग करेंगे फ्रॉम द मोशन ब्लॉक, कहाँ से, मोशन ब्लॉक से जो ब्लू कलर के हैं। एंड कीप इन द स्क्रिप्ट एरिया, उसको कहाँ करेंगे, स्क्रिप्ट एरिया में। Now drag the hop block and snap it with the previous block. अब आप drag करेंगे hop block को कहाँ से, snap with the previous block, जो उससे पहले का block है। Now drag the repeat block from the control block category. अब control block category से आपको किसको drag करना है, repeat block को। And keep it around the script, repeat the script. और इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रिप्ट बार बार रिपीट होगी। क्लिक ऑन द नंबर डिस्प्ले इन द रिपीट ब्लॉक, अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है रिपीट ब्लॉक में से नंबर्स को, कि कितनी बार आपको उसको रिपीट करना है या कितनी बार आपको उसको जंप करना। देखो लिखा ना 1, 2, 3, 4, जितनी बार भी आप उसको जंप करना चाहते हैं। नाउ अ न्यूमेरिक कीपैड विल ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया के राइट साइड पर क्या खुल जाएगा, न्यूमरिक कीपैड। टाइप एनी नंबर फ्रॉम द न्यूमरिक कीपैड, और न्यूमरिक कीपैड में से आप कोई सा भी नंबर क्लिक कर सकते हैं। ड्रैग द स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग, अब आप ड्रैग करेंगे किस पर, ग्रीन फ्लैग से, फ्रॉम द ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी, ये कहाँ पर होता है, ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी में से। एंड कीप इट इन द बिगनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, और अपनी स्क्रिप्ट के बिगनिंग में, देखो सबसे पहले वो लेके आया। नाउ प्ले द स्क्रिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ग्रीन फ्लैग एट द टॉप ऑफ द पेज, आपको किस पे क्लिक करना है, ग्रीन फ्लैग पे, बट कहाँ पर, टॉप, बॉटम पर नहीं, टॉप पर जो ग्रीन फ्लैग बना। यू कैन ऑब्जर्व द फ्रॉग इज मूविंग एंड जंपिंग एट द सेम टाइम, अब आप देखेंगे कि फ्रॉग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और जंप कर रहा है एट द सेम टाइम। जैसे ही आपने ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया तो आपका फ्रॉग मूव करेगा और जंप करेगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज टू करेक्टर, अपने प्रोजेक्ट में अब तक हम एक करेक्टर को यूज करते थे, अब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हम दो करेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। वी कैन एड मोर देन वन करेक्टर इन स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट, लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट मीट एंड ग्रीट. प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मीट एंड ग्रीट. स्टेप वन, एडिंग अ बैकग्राउंड एज शोन इन द फिगर. आपको एक बैकग्राउंड ऐड करना है जैसा पिक्चर में बना हुआ है. स्टेप टू, रिमूव द एग्जिस्टिंग स्प्राइट. अब जो पहले की स्प्राइट बनी हुई है उसे आप क्या करेंगे? एग्जिट. देखिए उस पर किसका साइन आया? क्रॉस का. टू रिमूव द एग्जिस्टिंग स्प्राइट फॉलो दिस स्टेप. ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द डिफॉल्ट स्प्राइट. प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट. जिस स्प्राइट को आपको रिमूव करना है आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को वहां जाकर होल्ड करेंगे. अ रेड क्रॉस साइन अपीयर ऑन द स्प्राइट. क्लिक ऑन इट टू रिमूव द डिफॉल्ट स्प्राइट. जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे ये रेड बटन का साइन आया, आपको इस पर क्लिक करना है और ये स्प्राइट क्या होगी? हट जाएगी, चली जाएगी. नंबर थ्री, ऐड ऑन न्यू स्प्राइट. अब हम न्यू स्प्राइट को कैसे ऐड करेंगे? टू ऐड अ न्यू स्प्राइट क्लिक ऑन द प्लस साइन इन द लेफ्ट पेन. लेफ्ट पेन पे प्लस का साइन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे. सिलेक्ट द स्प्राइट चाइल्ड एंड क्लिक ऑन द टिक साइन टू ऐड इट. नाउ मूव द स्प्राइट. अब इसके बाद आपने चाइल्ड वाली पिच स्प्राइट को ऐड करा और किस पे क्लिक करना है? टिक, टिक वाले साइन पर. ये देखिए टिक का साइन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे. स्टेप फोर, ड्रैग एंड ड्रॉप द फॉलोइंग ब्लॉक. और अब आप उस ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. देखिए चाइल्ड की पिक्चर आपके प्रोजेक्ट में आ गई. नाउ ऐड अनदर स्प्राइट. एक स्प्राइट तो हमने चाइल्ड की ऐड करी, अगर अब हमें दूसरी ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टू ऐड अ न्यू स्प्राइट क्लिक ऑन द प्लस साइन इन द लेफ्ट पेन. अब लेफ्ट पेन में हम फिर किसको क्लिक करेंगे? प्लस साइन को. सिलेक्ट द स्प्राइट डॉग एंड क्लिक ऑन द टिक साइन टू ऐड इट. नाउ मूव द स्प्राइट. और फिर आपने डॉग की स्प्राइट को ऐड करा और किस पे क्लिक करना है? टिक वाले साइन पर. तो क्या होगा? आपकी स्प्राइट वहां पर मूव करेगी. ड्रैग एंड ड्रॉप द फॉलोइंग ब्लॉक. अब आपने फॉलोइंग ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो यहाँ आया ना दोनों चीज, यहाँ पे जो डॉग की पिक्चर आई आप उसको क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप. तो देखिए ऐड हो गई. स्टेप सेवन, एग्जीक्यूट द कोड. अब कोड से एग्जीक्यूट करना. क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द स्टेज टू एग्जीक्यूट इट. अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है आप कैसे करेंगे? स्टेज के टॉप पर जो ग्रीन फ्लैग है उसको आपको क्लिक करना है. नाउ हाउ टू ग्रो और श्रिंक अ स्प्राइट. एक स्प्राइट को कैसे ग्रो और श्रिंक करते हैं? लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग द ग्रो और श्रिंक ब्लॉक. प्रोजेक्ट अ स्पूकी फॉरेस्ट. एडिंग अ बैकग्राउंड एज शोन बिलो. आपको एक ऐसा बैकग्राउंड क्या करना है? ऐड करना है. कहाँ पर? अपने प्रोजेक्ट में. ये आपका स्टेप नंबर वन है. स्टेप टू, रिमूव द एग्जिस्टिंग स्प्राइट एंड ऐड अ स्प्राइट नेम फ्रॉग एज शोन बिलो. तो जो पहले स्प्राइट बनी हुई थी आपको क्या करना है? उसको रिमूव करना है और क्या ऐड करना है? फ्रॉग नाम से. देखिए फ्रॉग नाम से आपको स्प्राइट के नेम को ऐड करना है. स्टेप थ्री, ड्रैग एंड ड्रॉप द फॉलोइंग ब्लॉक एज शोन बिलो. अब आपको ड्रैग और ड्रॉप करना है किसको? दिए हुए ब्लॉक को, जो नीचे दिया हुआ. देखिए फ्रॉग का ब्लॉक है ना, आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. नाउ एड सेकंड स्प्राइट नेम स्नेक एज शोन बिलो. पहले आपने फ्रॉग को ऐड किया, अब आपको सेकंड स्प्राइट को ऐड करना है. क्या नाम है उसका? स्नेक. स्टेप फाइव में आपको क्या करना है? आपने फ्रॉग वाली स्प्राइट और स्नेक वाली स्प्राइट दोनों को क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. कहाँ पर? फॉलोइंग ब्लॉक्स में. देखिए फ्रॉग की भी पिक्चर आ गई और किसकी आ गई? स्नेक की भी आ गई. नाउ एड थर्ड स्प्राइट बैट नेम एज शोन बिलो. सबसे पहले हमने फ्रॉग को ऐड किया, देन स्नेक को. अब हमें किसे करना है? बैट. बैट मतलब चमगादड़. तो अब हमें इसको भी स्प्राइट को ऐड करना है. कहाँ पर? अपने प्रोजेक्ट में. देखिए फ्रॉग भी है, स्नेक भी है. नाउ वी विल ऐड बैट.
Step 7, drag and drop the following blocks as shown below. अब आपको क्या करना है, दिए हुए ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. स्टेप 8, एग्जीक्यूट द कोड. टैप ऑन द फ्रॉग ऑन द स्टेज टू एग्जीक्यूट इट. आपको फ्रॉग को क्या करना है, टैप करना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. देन टैप ऑन द स्नेक ऑन द स्टेज टू एग्जीक्यूट इट. टैप ऑन द बैट ऑन द स्टेज टू एग्जीक्यूट इट. आपने पहले फ्रॉग पर टैप किया एग्जीक्यूट करने के लिए उसे. देन यू हैव टू टैप ऑन स्नेक एंड बैट टू एग्जीक्यूट इट. नाउ वी विल लर्न यूजिंग द हाइट एंड शो ब्लॉक. अब हम हाइट और शो ब्लॉक को यूज करना सीखेंगे. क्लिक ऑन द लुक ब्लॉक इन द ब्लॉक पैलेट एंड ड्रैग द हाइट ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक कैटेगरी. आपको लुक ब्लॉक को क्लिक करना है कहाँ से, ब्लॉक पैलेट से, और ड्रैग करना है हाइट ब्लॉक को कहाँ से, ब्लॉक कैटेगरी में से. नाउ क्लिक ऑन द हाइट ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया टू सी द स्प्राइट डिसअपीयर फ्रॉम द स्टेज. अब आप हाइट ब्लॉक को कोडिंग एरिया से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्या होगी, आपकी स्प्राइट डिसअपीयर हो जाएगी, दिखनी बंद हो जाएगी. कहाँ से, स्टेज से. टू ब्रिंग द स्प्राइट बैक ऑन द स्टेज ड्रैग द शो ब्लॉक. अब आपको अगर अपनी स्प्राइट को वापस लाना है स्टेज पर तो आप क्लिक करेंगे शो ब्लॉक पर. देखिए ऐसा वाला ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है, शो ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक कैटेगरी. कहाँ से, ब्लॉक कैटेगरी में से. इन द कोडिंग एरिया एंड क्लिक ऑन इट. द स्प्राइट विल अगेन अपीयर ऑन द स्टेज. और आपकी स्प्राइट फिर से कहाँ आ जाएगी, स्टेज पर आ जाएगी. नाउ वी विल डू सम एक्टिविटी. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ब्लॉक्स कैटेगरी एंड राइट देयर नेम. अभी मैंने आपको इन सब आइकन्स जो बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के, ब्लॉक्स कैटेगरी के, मैंने आपको इनके नाम बताए थे. अब आपको क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं. फटाफट जल्दी से आप एक बार अपना चैप्टर फिर से रिव्यू करेंगे और इन सब के नाम आप खुद लिखेंगे. नाउ आई विल टेल यू कंप्यूटर मैनर. डू नॉट इंसर्ट ऑब्जेक्ट इनटू एनी सॉकेट और आउटलेट ऑफ द सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्पीकर. बच्चों आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करना चाहिए कहाँ पर, CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्पीकर के सॉकेट में. नाउ लेट अस रिवाइंड. चलिए जल्दी से एक बार अपना चैप्टर फिर से रिवाइंड करते हैं. स्क्रैच जूनियर इज वन ऑफ द इजिएस्ट ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन पुट ब्लॉक्स टुगेदर टू क्रिएट अ कोड. स्क्रैच जूनियर सबसे इजिएस्ट क्या है, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक की हेल्प से आप एक नया कोड जनरेट करते हैं. ट्रिगरिंग ब्लॉक्स आर यूज टू स्टार्ट एन एक्शन. कोई भी एक्शन स्टार्ट करने के लिए ट्रिगरिंग ब्लॉक हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. मोशन ब्लॉक्स आर यूज टू मेक अ स्प्राइट मूव ऑन द स्टेज. लुक्स ब्लॉक्स आर यूज टू चेंज द लुक ऑफ द स्प्राइट. यू कैन मेक अ स्प्राइट से समथिंग, रीसाइज और रीसेट द साइज ऑफ द स्प्राइट एंड हाइड और शो द स्प्राइट यूजिंग ब्लॉक. लुक्स ब्लॉक से आप अपने स्प्राइट का लुक चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुक ब्लॉक्स. साउंड ब्लॉक्स आर यूज टू एड साउंड टू योर प्रोजेक्ट. अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में कोई साउंड ऐड करनी है तो उसके लिए आपके पास कौन से ब्लॉक हैं, साउंड ब्लॉक्स हैं. कंट्रोल ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट. एंड ब्लॉक्स आर यूज फॉर एंडिंग अ स्क्रिप्ट, चेंजिंग द स्पेसिफाइड पेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रनिंग अ स्क्रिप्ट रिपीटली. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन है. आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो सही आंसर है या सही ऑप्शन है उस पर टिक का निशान लगाना है. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, द डैश मूव द करेक्टर अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप एंड देन डाउन अगेन.
hope, turn right, turn left, none of these. तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? Yes, you are right. Correct option is option A. With the help of hope, we can move the character up to a specified number and then down again. Dash runs the block inside a specified number of time. Wait, hop, repeat or end. The correct option is option B. Repeat. With the help of repeat, we can run the block inside a specified number of times. Number 3. Dash start the script when the sprite is touched by another sprite. जब एक sprite दूसरी sprite से touch होती है तो script चलने लगती है. With the help of start on tap, start on bump, start on message and the last option is end start message. The correct option is option B, start on bump. Number 4, you will do by yourself. Now, exercise B, fill in the blanks. Dash increase the size of the sprite. Sprite ka size kisse increase hota hai? With the help of grow block, G-R-O-W, grow. Number 2, Dash shows a specified message in a speech bubble above the sprite. तो इसका आंसर है say, S-A-Y, say. Number 3 and number 4 you will do by yourself. Now exercise number C. Write T for true and F for false statement. Scratch Junior is one of the easiest blocked based programming language. Yes, this statement is true. क्योंकि Scratch Junior क्या है? सबसे easiest block programming language है. Look, blocks are purple in color. Look, blocks purple color के होते हैं. This statement is also true. The next one, reset size, increase the size of the sprite. अगर हमें अपनी sprite का size increase करना है, बढ़ाना है, तो हम reset size से करते हैं? No, this statement is false. Next, repeat runs the sprite over again and again. This statement is also true. Now match the following. यहाँ पे कुछ different blocks बने हुए हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं. हमें क्या करना है? उनको match करना. तो चलिए start करते हैं. Number 1, बताइए ये किससे match होगा? Motion block category से, and block category से, control block category से, looks block category से, triggering block category से या sound block category से? तो बच्चों number 1 वाला match होगा and block category से. Red color का है and block category. Then blue color का block बताइए ये किससे match होगा? Motion block category, control, looks, triggering और sound. तो number 2 का answer है motion block category. Then ये इसके आइकन से ही पता चल रहा है ये मैच होगा हमारा साउंड ब्लॉक कैटेगरी से. पर्पल कलर के हमारे कौन से ब्लॉक होते हैं? पर्पल कलर का हाँ होता है हमारा लुक ब्लॉक कैटेगरी. नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ. सो माय डियर किड्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट स्क्रैच जूनियर. हमने स्क्रैच जूनियर के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.